बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आज हमने करना है, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं ए और बी, जिनको हमने ऐड करना है और यूज़ करने हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, कंसिडर किए हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए एंड बी, और उसको हमने किस लाइन से शो किया, ओ एम और ओ एन के साथ। ठीक है, तो हमने दो वेक्टर्स लिए ए एंड बी, रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस ओ एम एंड ओ एन। तो उसके बाद हमने क्या किया, इन दो वेक्टर्स को ऐड किया और वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल। उधर से हमें रिजल्टेंट मिला आर, जो कि इक्वल है ए प्लस बी। सो हमने दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर था ए जबकि दूसरा वेक्टर था बी, उनको हमने ऐड किया और हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला जो कि इक्वल है ए प्लस बी। अब ये तो उनका दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ गया, लेकिन हमारे टॉपिक का नाम है वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को ऐड तो करना है, लेकिन यूज करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो फिर हमने क्या किया कि ये जो वेक्टर ए था, बी था और उसका जो रिजल्टेंट था, उसको रिजॉल्व कर लिया हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के। अब हमने ए को जब रिजॉल्व किया तो उसके दो कंपोनेंट बने, एक बन गया ए एक्स जो कि एक्स के करस्पॉन्डिंग है, और जबकि दूसरा कंपोनेंट होगा वो ए वाई होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमने वेक्टर बी को भी रिजॉल्व किया उसके कंपोनेंट के अंदर, तो जो उसका एक्स कंपोनेंट होगा उसको हमने कहा बी एक्स, और उसका जो वाई कंपोनेंट कह दिया उसको बी वाई कह दिया। अब अगर ये वेक्टर ए वाई है तो ये वेक्टर बी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ए वाई होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ से यहाँ तक बी एक्स है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। तो अब हमने जो नोटेशन यूज की हैं उनको हम बारी बारी लिख लेते हैं। अब हमने किया क्या कि इनको ऐड किया, इस पॉइंट को हमने बी कह दिया, इसको पॉइंट को Q कह दिया, इसको R कह दिया, इसको S कह दिया। ठीक है, तो अब अगर इस फिगर को देख के हमें जो डाटा इस फिगर से मिलता है वो हम ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं इधर। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि OQ जो लेंथ है वो किसकी इक्वल है, AX की इक्वल है। इसी तरीके से QR जो के इक्वल है किसके, एम एस के इक्वल है, वो इक्वल है हमारे बी एक्स के। इसी तरीके से पी एस, इसको अगर देखा तो ये इक्वल है पी वाई, क्योंकि ये देखिए पी एस इक्वल है पी वाई, और दूसरा ये देखिए तो ये क्या बन गया हमारे पास, एस आर जो है वो इक्वल है ये किसकी इक्वल है, एम क्यू के, एम क्यू के, और वो इक्वल है ए वाई की इक्वल है। अब इनका जो रिजल्टेंट था वो था आर। अब अगर इसको भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे तो ये उसका एक्स कंपोनेंट आएगा आर एक्स, इसी तरीके से ये उसका वाई कंपोनेंट आएगा आर वाई। अब देखिए ओ से आर जो हमारा है वो किसकी इक्वल हो गया, आर एक्स की इक्वल, एंड इसी तरीके से पी से आर अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तो ये क्या हो गया आर वाई। तो इस फिगर से हमें जो जो डाटा मिला वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो हमने क्या करना था, वेक्टर्स को ऐड करना था बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों वेक्टर्स लिए उनको ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल। फिर हमने क्या किया, उन सारे वेक्टर्स कौन कौन से, एक ए था, एक बी था और एक उसका रिजल्टेंट,
तीनों को हमने उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कर दिया, और उसके बाद जो हमें डेटा मिला वो हमने सारा इधर लिख दिया। ठीक है, अब अगर इसको देख लिया तो इस फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि ओ से आर जो टोटल डिस्टेंस है उसको कैसे लिखा जा सकता है, ओ से क्यू प्लस क्यू से आर, क्योंकि ये टोटल लेंथ है, ये इक्वल होगी यहां से लेकर यहां तक प्लस यहां से आगे। तो ओ से क्यू इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब देखिए ओ आर क्या है हमारे पास, ओ आर है हमारे पास आर एक्स, तो हमने इधर लिखा आर एक्स वो इक्वल है ओ क्यू है हमारे पास ए एक्स। इसी तरीके से क्यू आर हमारे पास क्या है बी एक्स। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, अब ये क्या चीज है, ये है आर एक्स, इट इज दी एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का, और ये क्या है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द बी वेक्टर। अब अगर इस इक्वेशन को हमने अल्फाज की सूरत में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेंड या इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड बी। So the x component of the resultant vector is equal to the x component of the corresponding vector. क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स थे तो उन दो वेक्टर्स के x component का सम। अब इसी तरीके से अब यहां पे देखें तो अब पी आर जो आपके पास है पी आर वो इक्वल होगा पी एस, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल होगा पी एस प्लस एस आर। अब पी आर क्या है, पी आर है हमारा आर वाई, तो ये आ गया आर वाई। पी एस क्या है, पी एस है बी वाई, और एस आर क्या है ए वाई। तो आप अगर इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो ये क्या चीज है, ये है y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये क्या है सॉरी बी वाई होगा, तो y कंपोनेंट ऑफ द b वेक्टर एंड y कंपोनेंट ऑफ द a वेक्टर। तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो वो किसके इक्वल होगा ए वाई प्लस बी वाई। सो y component of the resultant vector is obtained by adding the y component of the corresponding vector. ठीक हो गया, अब आपने x component भी लिख लिया y component भी लिख लिया। अब अगर इसको मैं vector form में लिखूं तो क्या लिखेंगे, r y के ऊपर vector आ जाएगा, और ये क्या मिला a y plus b y, और दोनों y कंपोनेंट है तो साथ क्या आ जाएगा j यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से अगर x कंपोनेंट को भी वेक्टर फॉर्म के अंदर आप लिखते हैं तो क्या मिले, r x वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये उसका मैग्नीट्यूड, और क्योंकि x कंपोनेंट है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा i यूनिट वेक्टर। अब अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल आएगा आर इज इक्वल टू आर का एक्स कंपोनेंट आई यूनिट वेक्टर प्लस आर का वाई वेक्टर जे यूनिट वेक्टर। अब इसी तरीके से आर एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे वो किसकी इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई, आर वाई की वैल्यू ए वाई प्लस बी वाई।
तो ये तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होगा, वो इक्वल होगा अंडर द रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब एक्स कंपोनेंट क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स होल का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट क्या है, ए वाई प्लस बी वाई होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये तो आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब उसके बाद डायरेक्शन, अब आपको पता है कि डायरेक्शन किसी भी वेक्टर की वो हमेशा इक्वल होगी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट किसका, रिजल्टेंट का ओवर एक्स कंपोनेंट। तो ये किसकी इक्वल आएगा, टेंजेंट इनवर्स आर वाई हमारे पास है ए वाई प्लस बी वाई ओवर आर एक्स, वो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इसी तरीके से आपने इसकी डायरेक्शन निकाली। अब ये तो वेक्टर्स था आपके पास जिसमें आपके दो वेक्टर्स लिए। अब अगर कोई ऐसे वेक्टर जिसमें एक ही प्लेन के अंदर दो वेक्टर ना हो बल्कि दो से ज्यादा होंगे, तो फिर ऐसे केस में जब को प्लेनर वेक्टर होंगे, एक ही प्लेन के अंदर एक से ज्यादा वेक्टर होंगे, तो तब आपका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, वो आपका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसी तरीके से ही लिखेंगे, लेकिन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन जितने भी वेक्टर होंगे उनके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करें प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करें, तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर उसके अंदर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट, तो आप यहाँ पे ए वाई प्लस बी वाई प्लस जितने भी वेक्टर हैं सी वाई प्लस सो ऑन ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन। तो ये कब होगा, जब आप एक ही प्लेन के अंदर दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, तो ये हमने बात की। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या किया कि दो वेक्टर्स थे हमारे पास ए और बी, उनको हमने ऐड करना था लेकिन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में। तो हमने क्या किया, दो वेक्टर्स लिए ए और बी, सबसे पहले उनको ऐड कर लिया बाय हेड टू टेल रूल, उससे हमें रिजल्ट मिल गया। अब क्योंकि हमने यूज करना था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का काम, तो फिर क्या किया कि जो वेक्टर्स तीनों आए, एक तो ए था बी था और एक उनका रिजल्टेंट, तीनों को हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो हमने इसको रिजॉल्व किया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर और इस डायग्राम को नाम दे दिया। अब जिस तरीके से ओ एम एन पी क्यू आर एस इस तरीके से हमने उनको नाम दे दिए और जितना इसके अंदर डाटा था वो हमने बारी बारी इसके अंदर लिख दिया। जिस तरीके से हमारे पास ओ क्यू था वो हमारे ए एक्स की इक्वल है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसी फिगर को यूज किया। तो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज करना था, तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट की टोटल लेंथ देखी, वो ओ आर की इक्वल आई और वो इक्वल आ गई ओ क्यू प्लस क्यू। इसी तरीके से आपने एक्स कंपोनेंट निकाला, फिर वाई कंपोनेंट निकाला। अब क्योंकि आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपने ये लिखाया, और आपको पता है कि जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। जैसे ही रिजल्टेंट वेक्टर मिला तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला और उसकी डायरेक्शन निकाली, और फिर हमने ये कहा कि ये तो दो वेक्टर्स थे और अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स आ जाए तो जो कि एक ही प्लेन के अंदर हो, तो उसको हमने इस तरीके से लिखा। ठीक हो गया। अब उसके बाद अक्सर जो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है कि आप किस स्टेप्स लिखें वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो उसके ये हमने पांच स्टेप जो हमने इधर, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने फाइंड किए एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। दोनों वेक्टर थे उनके एक्स और वाई कंपोनेंट हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर लिए। उसके बाद क्या किया, हमने फाइंड किया आर एक्स, आर एक्स को फाइंड किया बाय एडिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स कोरिस्पोंडिंग वेक्टर। फिर हमने क्या किया, तीसरा पॉइंट आर वाई फाइंड आउट किया, वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो
by adding y component of the corresponding vector. उसके बाद हमने magnitude find out किया इस formula को use करके, और उसके बाद हमने direction को find out किया. तो आज के लिए इतना ही, next lecture में हम हाजिर होंगे बहुत जल्द. अल्लाह हाफिज़.